दोस्तों नमस्कार। यदि आप एक छात्र हैं और राजनीति में रुचि लेते हैं और राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि छात्र राजनीति की शुरुआत कैसे करें और छात्र राजनीति में सफलता प्राप्त कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1,00,000 ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो हमारे देश को और समाज को भविष्य में एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि छात्रों के लिए राजनीति क्यों जरूरी है और जो छात्र राजनीति में रुचि लेते हैं उन्हें अपने छात्र राजनीति की शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए और छात्र राजनीति में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि राजनीति और लीडरशिप से संबंधित ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आने वाले हैं इन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे कि छात्र राजनीति की शुरुआत कैसे करें और साथ ही साथ छात्र राजनीति में सफलता किस प्रकार से प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है मुख्य रूप से 5 बातें, और वो 5 बातें इस तरीके से। सबसे पहली बात, यदि आप एक छात्र हैं तो सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन में एज अ रेगुलर स्टूडेंट आप एडमिशन लीजिए और अपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कीजिए। दूसरी जो बात है कि पढ़ाई में अपना ध्यान लगा के रखिए, पढ़ाई से कभी अपने आप को अलग मत कीजिए, और जितना सीरियसली आप पॉलिटिक्स को लेते हैं उतने ही सीरियसली आप एकेडमिक्स और पढ़ाई को भी लीजिए। इससे आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग होगी, एक अच्छी इमेज बिल्डिंग होगी कि ये हमारे जो छात्र नेता हैं ये सिर्फ राजनीति नहीं करते, ये पढ़ाई में भी काफ़ी ध्यान लगाते हैं और पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी सीरियस रहते हैं। तो इस प्रकार की छवि जो है वो मदद करती है आपको एक स्टूडेंट के बीच में एक लीडरशिप डेवलप करने की और साथ ही साथ एक लीडर बनने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लीजिए और अपना एक सर्कल बिल्ड कीजिए, अपने आसपास जितने भी छात्र हैं, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ रेगुलर टच में रहिए और धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते रहिए। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि लगातार अपने कैंपस में, अपने इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी आप राजनीति करना चाहते हैं वहाँ आप लोगों से, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करिए, बातचीत करिए, उन्हें अपने बारे में जानने का मौका दीजिए, साथ ही साथ आप उनके बारे में भी जानिए कि वो किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से उनकी पढ़ाई चल रही है, क्या है सारा उनके आसपास का वातावरण। तो इससे आपको जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ स्टूडेंट के जो इश्यूज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं ये आप उनके साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग फोरम पे आप डिस्कस करके उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आप निकाल सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आप उसके लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उनके टच में रहना, उनसे इंटरेक्ट करना और उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और किस तरीके से आप उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं इसके लिए उनके साथ बैठकर डिस्कशन करना। तो यदि आप इन चीज़ों की अगुवाई लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लीडर मानकर सारे स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट करें। तीसरी बात जो हर स्टूडेंट लीडर को समझनी चाहिए वो ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं वो 2-3 जगह से जुड़ी होती है। उनमें से जो मुख्य जगह हैं वो है, एक है कॉलेज का कैंपस और दूसरा होता है हॉस्टल। तो यदि आप कैंपस के इश्यूज़ के बारे में समझना चाहें तो ज़्यादातर इश्यूज़ जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं या कॉलेज के जो एकेडमिक्स होते हैं उनको लेकर होते हैं, लाइब्रेरीज को लेकर होते हैं, प्रोफेसर्स को लेकर होते हैं, या स्कॉलरशिप्स जो स्टूडेंट पात्र हैं उन्हें मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड होता है। तो कैंपस के इश्यूज़ की एक अलग लिस्ट बनाइए, देखिए कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वैसे ही हॉस्टल में किसको एकोमोडेशन मिला है, नहीं मिला है, हॉस्टल की फैसिलिटीज सही हैं कि नहीं, उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और जो भी एक अच्छा वातावरण हॉस्टल के अंदर बनना चाहिए वो वातावरण सही है कि नहीं, वहाँ स्टूडेंट्स को परेशान तो नहीं किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इस तरीके से आपके कैंपस में जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी लिस्ट बनाइए, साथ ही साथ स्टूडेंट से बात करके ये भी देखिए कि जिस हॉस्टल्स में वो रह रहे हैं या जिस जगह पे भी वो रह रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और किस तरीके से यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम है भी तो आप उनकी
उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, आपके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है जिसके द्वारा लोग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आते जाते हैं, उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। इसीलिए आपके कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन के इश्यूज़, उसके साथ साथ हॉस्टल के इश्यूज़, ये दो तीन चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे समझने में कामयाब हो गए और इसका अगर आपने जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टूडेंट लीडर सभी स्टूडेंट्स मानने को तैयार हो जाए। चौथी बात जो हर स्टूडेंट लीडर को समझनी चाहिए वो ये है कि आपको हमेशा एक्शन में देखना चाहते हैं बाकी के स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके यहाँ कोई डिबेट हो, कोई स्पीच का प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ जब भी आपको बोलने का मौका मिले, जहाँ भी आपको डिबेट और डिस्कशन का मौका मिले, उस मौके को छोड़िए मत। तो आप स्पीच देने की जो जगह है वहाँ पे स्पीच दीजिए, जहाँ पे डिबेट और डिस्कशन के मुद्दे आ रहे हैं वहाँ पर आप उन इश्यूज पे डिबेट कीजिए, डिस्कशंस कीजिए। अपना मुद्दा छोड़कर स्टूडेंट्स का मुद्दा रखिए, तो जितने ज़्यादा आप स्टूडेंट्स के मुद्दों को रखेंगे, स्टूडेंट्स के मुद्दों पर बातचीत करेंगे, स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाएंगे, तो स्टूडेंट्स भी ये सोचेंगे कि आप ही वो सही व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट्स के सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से उठा रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे आप उनको रखने में कामयाब भी हो रहे हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि बोलने का भी जहां मौका मिले आपको उस मौके का सही उपयोग करिए और स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसे आप सही तरीके से उठाने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपकी भी पर्सनैलिटी खुलकर लोगों के सामने आती है और आप जिस अंदाज से अपनी बात को रखते हैं अगर वो अंदाज लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लीडर मान सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको एक अच्छा स्पीकर कैसे बने इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसके बारे में लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। डिबेट की स्किल्स जो है कि वाद विवाद किस तरीके से करते हैं, ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो ये दो स्किल्स अगर आप डेवलप कर पाएं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट लीडर बन सकते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो हर एक स्टूडेंट लीडर को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। इसीलिए जो भी मुद्दे हैं जिन्हें आप समझते हैं, जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं, उन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, उन इश्यूज़ पर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करिए और आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, उसे भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो इससे आपकी जो बात है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी, आपके स्टूडेंट सर्कल के बाहर के भी लोग उसे देख सकते हैं और एक अलग छवि आप अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में और अपने शहर में या जिस जगह पे भी आप रहते हैं वहां बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया आपकी मदद कर सकता है इस काम के लिए। जो ब्रांडिंग का काम होता है, जो आपके लिए इमेज बिल्डिंग का काम करता है, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जो भी आपसे मदद मांगते हैं या जो भी आपके साथ अब जुड़ते जा रहे हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे आप ग्रुप बना के रखिए ताकि समय समय पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें और उनके रेगुलर टच पे रहें। तो इससे आपका जो सर्कल है उसे बड़ा करने में मदद मिलेगी, तो लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं और आप अपनी जो बात है जो लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहते हैं, वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो पांच तरीके थे जिससे कोई भी छात्र जो है, यदि वो स्टूडेंट लीडर बनना चाहता है, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है और छात्र राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो इन पांच पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये पांच पॉइंट आपकी मदद कर सकते हैं आपको एक अच्छा स्टूडेंट लीडर बनने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप लोगों की मदद कर सकें और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपने इससे क्या सीखा और भविष्य में आप कौन से विषय पर और वीडियोस देखना चाहेंगे। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए और लीडरशिप की ऐसी बातों के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।